हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? एक मेरे पास क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है। क्लोज मतलब इसलिए बता रहे हैं कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। क्लोज है तो ऊपर से भी कवर है, नीचे से भी कवर है, ऐसा कैन है, ठीक है, जिसका गिवन क्या है? वॉल्यूम। ऐसा कैन है सिलेंड्रिकल जिसका वॉल्यूम क्या है? गिवन है। एंड मुझे उसकी क्या निकालनी है? फाइंड द डायमेंशंस, यानी कि मुझे कैन का रेडियस और कैन की हाइट जो है वो निकालनी है ऑफ कैन विच हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया। जिस कैन का सरफेस एरिया क्या है? मिनिमम। सही जा रहे हो, मुझे बोल रहे हैं एक सरफेस एरिया मिनिमम बोल रहे हैं और सरफेस एरिया क्लोज की बात करें तो इन शॉर्ट ये भी पता चल गया कि ये टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की। क्या बोल रहे हैं? कि मुझे एक सिलेंड्रिकल कैन गिवन है जिसका मुझे गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन। मुझे गिवन क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 100। तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब मुझे सरफेस एरिया, फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैन को मिनिमम करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। सेम, क्योंकि मेरा जिसको मैक्सिमम करना है सरफेस एरिया, ये कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में है। तो मेरा पहला काम क्या है? इसे 1 वेरिएबल कन्वर्ट करना। बिल्कुल सही, हम किसकी हेल्प से 1 वेरिएबल कन्वर्ट करते हैं? हम गिवन की हेल्प से उसे 1 वेरिएबल क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरे पास गिवन की वैल्यू आ गई। अब मुझे सेम वही पुट करना है कि अपने पूरे के पूरी इक्वेशन को 1 वेरिएबल में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो बस मैंने जहां पर एच की वैल्यू थी वहां पर एच की वैल्यू को क्या कर दिया? पुट कर दिया यूजिंग 1। आगे का मुझे मालूम ही है। अब हमने क्या किया? इस पूरे को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया, दैट इज 200/r प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ 1 वेरिएबल हो गया तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या हो जाएगा? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x2। तो 1/r का डेरिवेटिव -1/r2, दैट इज 4 पाई आर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद क्या करते हैं? बिल्कुल बढ़िया, वही फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये स्टेप्स तो अब आपको रट जाने चाहिए बच्चा, हर क्वेश्चन में करने का तरीका वही है आपका। बस जो थोड़ा बहुत दिक्कत तकलीफ आ रही होगी वो जस्ट आपको कैलकुलेशन की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आपका हर क्वेश्चन में करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज 50/π। तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई? 50/π की पावर 1/3, यानी कि एक डायमेंशन तो आपकी आ चुकी है, दैट इज आर। लेकिन अभी तक मैंने अपने सरफेस एरिया को मिनिमम नहीं किया है, तो ऑफकोर्स उसके लिए तो डबल डेरिवेटिव करेंगे। इन इक्वेशन टू मुझे क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। प्लीज बच्चा, जो मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ इट्स अ मिनिमम प्रेजेंटेशन, और आपको इतनी मिनिमम प्रेजेंटेशन तो करनी ही करनी है, इसे कम तो आपको नहीं चलेगा। जा रही हूँ, अच्छा ये प्लीज याद रखेगा मैंने क्या किया है, 1/r2 का डेरिवेटिव करना था, तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, तो पावर आगे आ गई, पावर में एक कम कर दिया, तो उसी से ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपको नहीं आता तो आप रफ में करके देख लो, कुछ शायनेस नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा अगर आप करके देख लोगे रफ में, तो आप अपनी कैलकुलेशन को रफ में करके देख लीजिए। अब मुझे आर क्यूब की जगह हमने चीटा 1 सीधा पुट कर दिया, ये हो जाएगा 8π + 4π इज इक्वल टू 12π। तो डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? एट आर इज इक्वल टू 50/π की पावर 1/3, तब मेरा सरफेस एरिया क्या है? मिनिमम। बिल्कुल बढ़िया, तो ये मेरा सरफेस एरिया मिनिमम तक तो हो गया है। अब मुझे साथ में क्या निकालनी है? डायमेंशन निकालनी है। अब मुझे एक डायमेंशन तो मिल गई है, दैट इज आर। अब मुझे दूसरी डायमेंशन निकालनी है। बिल्कुल बढ़िया, कैसे निकालते हैं? जो मेरा गिवन है उसमें पुट कर देते हैं, पुट आर इज इक्वल टू 50/π की पावर 1/3 इन 1। तो मेरा जो हाइट है ये क्या हो जाएगा? 100/5 50/π की पावर 2/3। अब इतनी गंदी हाइट तो हम छोड़ नहीं सकते, तो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन को बहुत ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। 100 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 2 × 50, एंड इट विल बी रिटर्न एज π × 50 की पावर 2/3 एंड
5 की पावर 2/3। अगर आपने बचपन में ढंग से पढ़ाई की हो तो आपको मालूम होगा व्हेन बेसिस आर इक्वल डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली व्हेन बेसिस आर इक्वल डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पर सेम लॉजिक अप्लाई कर रही हूँ, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, ये हो जाएगा 50 के पावर 1/3, हो जाएगा पाई की पावर 1/3, तो 50 बाय पाई की पावर 1/3। तो आपकी जो हाइट है वो क्या आ गई, 2 × 50 बाय पाई की पावर 1/3। सही जा रही हूँ? तो मेरा वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया मिनिमम कर दिया और अपनी डायमेंशंस भी निकाल ली।